वेल, रणबीर कपूर जो है बहुत जल्द अब पापा बनने जा रहे हैं। जी हाँ, रणबीर और आलिया दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पहले बच्चे को। अब लड़की होगी, लड़का होगा, जो भी होगा, फाइनली कपूर खानदान में जो है जूनियर कपूर की एंट्री जो है बहुत जल्द होने वाली है। आज ही आलिया भट्ट ने अनाउंस कर दिया है कि वो और रणबीर अपने पहले बच्चे को जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसी बीच जो आपको बता दें, अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने बोला है कि आलिया भट्ट उनकी पहली बीवी नहीं है। जी हाँ, इसके पहले रणबीर कपूर की शादी हुई थी, लेकिन रणबीर कपूर अभी तक अपनी पहली बीवी से मिले ही नहीं हैं। आखिर ये पहली बीवी कौन है और आखिर दूसरी बीवी कैसे बन गई है आलिया भट्ट? क्या सीक्रेट में शादी कर ली थी रणबीर कपूर ने? चलिए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिकवल। पापा बनने जा रहे हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मम्मा बनने जा रही है, लेकिन उसके पहले ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से वे में रणबीर कपूर ने बताया कि किस तरीके से उनकी पहले शादी हो चुकी है और वो अपनी पहली बीवी को मिले भी नहीं हैं, और वो कह रहे हैं कि आई होप मैं आपको कभी ना कभी मिलूँगा। आखिर ये कौन है उनकी पहली बीवी, तो बता दें, अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में रणबीर ने अपने क्रेज़ी फ़ैन एनकाउंटर के बारे में बात की, जहाँ पे उन्होंने कहा कि उनका जो सबसे क्रेज़ी फ़ैन एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा था कि एक लड़की थी जो रणबीर की बहुत बड़ी फ़ैन थी, और मैं उस लड़की को कभी भी नहीं मिला, वो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन थी या है, आई होप सो है, इस तरीके से रणबीर कहता है। मेरे वॉचमैन ने मुझे बताया कि एक दिन वो पंडित के साथ आई थी, पंडित जी के साथ मेरे गेट पर, और उसने मेरे गेट से जो है शादी कर ली। कुछ टीका भी था गेट पर और कुछ फ्लावर्स भी थे। काफ़ी क्रेजी है ये बात, बट यस, उस गेट को मैं समझकर उस फैन ने जो है शादी कर ली, ये कहते हुए कि मैं उसका पति हूँ। उसने जो है शादी मुझसे कर ली है, लेकिन मैं अपनी बीवी से आयरॉनिकली कभी मिला ही नहीं हूँ। मैं अपनी पहली बीवी से आज तक नहीं मिला, लेकिन हाँ, मैं आपसे कभी ना कभी मिलने की ज़रूर ख्वाहिश रखता हूँ, इस तरीके से जो है रणबीर ने अपने इंटरव्यू में कहा। जो उनकी पहली पत्नी है यानी जो उनकी जो क्रेज़ी फैन है रणबीर, उनसे कभी मिलना चाहेंगे, इस तरीके से रणबीर कहते हुए नज़र आए। क्या कुछ कहना है आपको इस बड़े बयान के बारे में? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई सी यू गाइस सून।